डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ थर्ड वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट का, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं चैप्टर फर्स्ट इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कूलम्स लॉ के बारे में स्टूडेंट्स, तो मैंने वहाँ पे कूलम्स फोर्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशंस किए थे कि कूलम फोर्स क्या होता है, किस पर डिपेंड करता है, और वहाँ पर एक टर्म डिस्कस किया था हमने, एक कांस्टेंट, और उस कांस्टेंट में टर्म आया था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मैं आपके लिए एक वीडियो सेपरेट बनाऊंगा कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी एंड कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी पे। तो आज का वीडियो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस है कि परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपके लिए बताऊंगा, और बहुत सिंपल लैंग्वेज मैंने नोट्स प्रिपेयर करे हैं, तो ये नोट्स आप एज इट इज़ कॉपी कर लीजिएगा। और अब हम समझते हैं कि परमिटिविटी क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको ध्यान होगा कि सबसे पहले हमने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा था, तो हमने देखा था एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू होता है स्टूडेंट्स, एफ इज़ प्रोपोर्शनल टू क्यू वन क्यू टू। और हमने एक और चीज़ पढ़ी थी, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, एफ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब जब मैंने इसको कंबाइन किया था स्टूडेंट दोनों इक्वेशन को, तो एक फॉर्मूला बना था एफ इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू और अपॉन में आर स्क्वायर। और मैंने आपको बोला था यहाँ पे आप के से भी डिनोट कर सकते हो, सी से भी, और आज मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ कि आप इसको सी से डिनोट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, ये थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अब इस के की बात करते हैं, तो इस के का फॉर्मूला जो था दैट इज़ वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स। अब ये 1.4 पाए एप्सिलॉन नॉट है, जिसमें इस एप्सिलॉन नॉट का नाम हमने रखा था एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और इसकी एक वैल्यू भी थी स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान होगी, दैट इज 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। अब स्टूडेंट्स, अब हम देख सकते हैं कि जब मैं इस वैल्यू को, के की वैल्यू को इस वाले फॉर्मूले में पुट कर दूंगा, तो हमारे पास एक नया फॉर्मूला आ जाएगा, और वो नया फॉर्मूला होगा एफ इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन में आर स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं ये फॉर्मूला जो है फाइनली फॉर्मूला आ चुका है। अब एफ और एप्सिलॉन नॉट में एक रिलेशन निकाल सकते हैं हम यहाँ से, इस वाले फॉर्मूले से मैं एक रिलेशन बता रहा हूँ आप लोग को, एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, F is inversely proportional to epsilon naught। और स्टूडेंट्स, पूरे डिस्कशन आज इसी पे होने वाले हैं हमारे। अब मैं आ रहा हूँ परमिटिविटी क्या होता है स्टूडेंट्स, परमिटिविटी। तो अगर स्टूडेंट्स हमने दो चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा, स्टूडेंट्स ये जो आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा है, अब मैं इसको रफ कर रहा हूँ और अब मैं परमिटिविटी को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। तो परमिटिविटी, अगर मैं इन दो चार्जेस को स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट चार्जेस हैं, इनको अगर मैंने एयर में फ्री स्पेस में रखा हुआ, मान लीजिए फ्री स्पेस में रखा है या वैक्यूम में रखा हुआ है, फ्री स्पेस में रखा हुआ है या वैक्यूम में रखा हुआ है, स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये जो दो चार्जेस हैं हमारे, इनको हमने अभी फ्री स्पेस में रखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स, इन दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस में रखा है, तो वहाँ पे कोई दूसरा मटेरियल नहीं होगा इन दो चार्जेस के अलावा। अब इन्हीं दो चार्जेस को अगर मैं स्टूडेंट्स वाटर में रख देता हूँ या किसी अदर मीडियम में रख देता हूँ, जैसे देख रहे हैं वाटर में रख सकते हैं, माइका में रख सकते हैं, टेफलन ग्लास पीवीसी मेटल, कहीं पे भी रख सकते हैं, कोई अदर मीडियम एक्सेप्ट वैक्यूम और एयर, मैं अगर यहाँ पर रख देता हूँ, तो इनके बीच में जो अब फोर्स लग रहा है, क्या वो फोर्स और ये वाला फोर्स हमेशा सेम होगा? तो आंसर है नो, कभी भी सेम नहीं होगा, ये वाला फोर्स अलग होगा और ये वाला फोर्स अलग होगा स्टूडेंट्स, ये दोनों फोर्स अलग होंगे। अब यही हमें पता करना है, ये फोर्स अलग क्यों हुए, तो उसी के लिए आता है कॉन्सेप्ट ऑफ परमिटिविटी। अब परमिटिविटी का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी चीज़ को परमिट करना, जैसे कि जब दो चार्जेस फ्री स्पेस में रखे थे, तो इन दो चार्जेस के अलावा फ्री स्पेस में कोई अदर मटेरियल नहीं होता है,
तो मतलब इन दोनों चार्जेस के बीच के फोर्स को कोई अफेक्ट नहीं करेगा, तो मतलब ये वाला फोर्स, फ्री स्पेस वाला फोर्स हमेशा मैक्सिमम रहेगा, फ्री स्पेस वाला फोर्स हमेशा मैक्सिमम रहेगा स्टूडेंट्स, एज कंपेयर टू अदर मीडियम्स। अगर मैंने उन्हीं दोनों चार्जेस को जिनके बीच का डिस्टेंस सेम है पर मीडियम मैंने चेंज करके वाटर कर दिया है, तो अब इनके बीच का फोर्स कम हो जाएगा। और फोर्स कम क्यों होगा मैं ये बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, इसी को हम परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट बताते हैं। तो परमिटिविटी होता है कि इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये क्या है, एक मीडियम की प्रॉपर्टी है। अब अगर मैं वाटर की बात करता हूँ तो वाटर के खुद के पार्टिकल्स होते हैं, अब वो पार्टिकल्स अपनी खुद की फील्ड क्रिएट करेंगे और इन दोनों चार्जेस को जिसको मैंने वाटर में रखा है इनकी फील्ड के साथ इंट्रैक्ट करके इसके फोर्स को कम कर देंगे, इसको हम परमिटिविटी बोलते हैं स्टूडेंट्स। अब माइंड में ये आता है कि इसने परमिट क्या करा, तो स्टूडेंट्स मैंने बोला कि जब मैंने इन दो चार्जेस को वाटर में रखा तो वाटर के पार्टिकल्स ने अपनी फील्ड को परमिट करा, इन्होंने अपनी फील्ड परमिट की, परमिट इन्होंने अपनी फील्ड करी है, और जैसे इन्होंने अपनी फील्ड को परमिट करा वाटर के पार्टिकल्स ने, तो उनकी फील्ड दो चार्जेस जो वाटर में थे उनकी फील्ड से इंट्रैक्ट करते हैं और इस इंट्रैक्शन की वजह से फोर्स कम हो जाता है। और फोर्स कम क्यों होता है इसको मैंने अभी जस्ट बताया था कि फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन, फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल एप्सिलॉन, और यही होती है मीडियम की प्रॉपर्टी, यही मीडियम की प्रॉपर्टी होती है। अगर ये फ्री स्पेस में होता है तो इसको हम एप्सिलॉन नॉट लिख देते हैं स्टूडेंट्स, और अगर किसी मीडियम में होगा तो या तो सिर्फ आप एप्सिलॉन लिखोगे या फिर आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो, या फिर आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो स्टूडेंट्स, इसको या तो आप एप्सिलॉन भी लिख सकते हो या आप एप्सिलॉन एम भी लिख सकते हो ये, और दोनों के बीच में इन्वर्सली रिलेशन होता है तो इसलिए फोर्स के इफेक्ट को कम करता है, तो इसी को हम परमिटिविटी कहते हैं। अब परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि जिस भी मीडियम में रखेंगे उस मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि उन चार्जेस के बीच के फोर्स को कम करना, और ये फोर्स कम कैसे करता है, वो अपनी फील्ड प्रोड्यूस करता है ओन जो इंट्रैक्ट करती है दो चार्जेस की फील्ड के साथ। अब स्टूडेंट्स हम आते हैं कि इनमें ये जो रिलेशन मैंने दिख रहा है आपको स्क्रीन पे कि F मीडियम अपॉन F एयर वन अपॉन एप्सिलॉन आर कैसा है, इसमें से के इक्वल नहीं होगा, ये 1/k इक्वल होगा, ये मैं भी प्रूफ कर दूंगा थोड़ी देर में ये 1/k कैसे हुआ। अब स्टूडेंट्स हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। स्टूडेंट्स जैसे कि अभी आपको बताया मैंने कि सबसे ज़्यादा मैक्सिमम फोर्स हमेशा दो चार्जेस के बीच में फ्री स्पेस में रहेगा, अगर मैं उन्हीं दोनों चार्जेस को बिना उनके बीच में डिस्टेंस चेंज करे किसी अदर मीडियम में लेके जाऊँ तो फोर्स कम हो जाएगा। अब ये फोर्स कितने टाइम्स कम हो जाएगा इस कॉन्सेप्ट को बताया है रिलेटिव परमिटिविटी ने। तो रिलेटिव परमिटिविटी का मतलब होता है वो इन्फॉर्मेशन देता है कि किसी मीडियम में फ्री स्पेस से फोर्स कितने टाइम डिक्रीज हुआ है। और रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम और है जिसको हम बोलते हैं डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम और है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। जैसे हर किसी के दो नाम हो सकते हैं तो इसी तरह रिलेटिव परमिटिविटी के भी दो नाम हैं, एक रिलेटिव परमिटिविटी और दूसरा नाम है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्टूडेंट्स कैपेसिटर में भी आएगा और कैपेसिटर में इसका वेटेज 3 मार्क्स के क्वेश्चन के बराबर होता है, ये हमेशा पूछता है CBSE और बहुत अच्छी तरीके से पूछेगा। तो जब हम कैपेसिटर पढ़ेंगे तो वापस हम डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो रिलेटिव परमिटिविटी का एक नाम और है डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। अब स्टूडेंट्स मैं आपको कुछ फॉर्मुलेस बता दे रहा हूँ, ये सारे फॉर्मुलेस कैसे आए हुए हैं, तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा परमिटिविटी क्या होता है और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला जो होता है दैट इज डिनोट करते हैं एप्सिलॉन आर से या फिर के से, और इसका फॉर्मूला होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। स्टूडेंट्स एक बार फिर से बता देता हूँ, परमिटिविटी ऑफ मीडियम
अपॉन में परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ये जो डॉट है स्टूडेंट्स, ये फ्री स्पेस और एयर के लिए चलेगा। तो ये फॉर्मूला होता है रिलेटिव परमिटिविटी का या फिर डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, एक ही चीज़ है दोनों स्टूडेंट्स। अब आप बता सकते हैं एब्सेंट नॉट की वैल्यू सबसे कम होगी, क्योंकि हमने पढ़ा था कि एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सेंट नॉट और एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, ये अगर एफ नॉट लिख दूँ और इसको एफ एम लिख दूँ स्टूडेंट, तो ये जाएगा वन अपॉन एब्सेंट नॉट एब्सेंट एम। अब मुझे पता है कि सबसे मैक्स ज़्यादा फोर्स एफ नॉट है, मतलब एफ नॉट इज ग्रेटर देन एफ एम। अब एफ नॉट बड़ा है तो एब्सेंट नॉट छोटा होगा स्टूडेंट्स, एफ नॉट अगर बड़ा है तो एब्सेंट नॉट छोटा होगा, और अगर एफ एम छोटा है तो एब्सेंट एम बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ समझ में आ गया कि एब्सेंट एम बड़ा होता है, एब्सेंट एम बड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू एब्सेंट नॉट। अब मुझे बताइए ये चीज़ बड़ी है, एब्सेंट एम बड़ा है और एब्सेंट नॉट छोटा है, मतलब बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे, बड़े को छोटे से डिवाइड करेंगे तो हमेशा बड़ा आएगा। तो वी कैन से दैट, यहाँ से मैं कॉन्क्लूजन निकाल सकता हूँ कि जो एब्सेंट आर होगा वो हमेशा ग्रेटर देन या इक्वल टू वन होगा, एब्सेंट आर हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होगा। स्टूडेंट जितने स्लाइड्स में आपको रिलेशन में लिख के दिखा रहा हूँ ये आप नोट कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, डायरेक्ट वन मार्क ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं स्टूडेंट्स। तो एब्सेंट आर जो होता है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू वन होता है, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा वन के बराबर या वन से बड़ी होगी। अब ये वन के इक्वल कैसे हो सकती है, तो स्टूडेंट्स मैं इसको ये बता देता हूँ वन की इक्वल कैसे होगी। अब रिलेटिव परमिटिविटी का कंपैरिजन, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे दोनों चार्जेस को फ्री स्पेस से कंपैरिजन किया, मतलब ऊपर भी मीडियम आ जाएगा एब्सेंट नॉट, नीचे भी आ जाएगा एब्सेंट नॉट, और दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो आंसर कितना जाएगा वन। मतलब रिलेटिव परमिटिविटी ये किसकी होती है स्टूडेंट्स, वन किसकी होगी हमेशा फ्री स्पेस की, फ्री स्पेस की रिलेटिव परमिटिविटी हमेशा वन होगी और अदर मीडियम्स की वन से हमेशा ज़्यादा होगी, ये आपको ध्यान रखना है। स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं ऊपर भी अगर मैं इसका फॉर्मूला फिर से लिखूं एब्सेंट आर दैट इज एब्सेंट एम अपॉन एब्सेंट नॉट, ऊपर भी परमिटिविटी है मीडियम की और नीचे परमिटिविटी की, मतलब दोनों परमिटिविटी मतलब दोनों के यूनिट एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, मतलब ये कैसी क्वांटिटी है यूनिटलेस, मतलब इसकी कोई यूनिट नहीं होती है स्टूडेंट्स, ये यूनिटलेस होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। अब एक फॉर्मूला इसका फोर्स के टर्म्स में भी होता है स्टूडेंट्स, ये रिलेशन आपको क्लियर होगा। अब मैं इसको एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, अब हमने जो फॉर्मूला लिखा एप्सिलॉन आर इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तो एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन एम। अब आप इस रिलेशन को देखेंगे तो ये रिलेशन यही बता रहा है कि इनकी जो मल्टीप्लाई, मतलब जो मीडियम होगा मीडियम की जो परमिटिविटी होगी वो हमेशा फ्री स्पेस की परमिटिविटी से क्या होगी एब्सेंट आर टाइम्स होगी, मतलब रिलेटिव परमिटिविटी जो भी होगी उसकी वैल्यू को अगर मैं एब्सेंट परमिटिविटी से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मान लीजिए वाटर की 80 है, मान लीजिए वाटर की 80 है, एब्सेंट आर जो है वो वाटर का 80 है, तो अगर मैं 80 को मल्टीप्लाई कर दूंगा एब्सेंट नॉट से तो मुझे परमिटिविटी मिल जाएगी वाटर की, मतलब यहाँ पे मीडियम कौन सा है वाटर है, तो मुझे परमिटिविटी मिल जाएगी वाटर की। इस तरीके से हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आपको मैं एक फॉर्मूला और बता देता हूँ रिलेटिव परमिटिविटी को फोर्स के टर्म्स में कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स हम लोग। तो जैसे कि आप समझ रहे हैं कि एफ नॉट इक्वल टू वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, इस तरह एफ एम किसी मीडियम में अगर होगा तो वन अपॉन फोर पाए एप्सिलॉन एम इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। अब इन दो की इक्वेशन इसको वन नाम दे दिया स्टूडेंट्स मैंने और इसको टू दे दिया, अब अगर मैं टू को वन से डिवाइड कर दूंगा तो एफ एम अपॉन एफ नॉट निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो एफ एम अपॉन एफ नॉट जब मैं निकालूंगा तो आप देख रहे हैं, मैं यहीं पे डिवाइड आपको करके दिखा देता हूँ, टू को वन से डिवाइड तो आप देख रहे हैं क्यू वन क्यू टू आर स्क्वायर फोर पाई सब कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बचेगा एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, यहाँ पे बचेगा एब्सेंट। जब आप टू को फर्स्ट से डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स ये आंसर आएगा एब्सेंट नॉट अपॉन एब्सेंट एम। अब देख सकते हैं एब्सेंट नॉट अपॉन एब्सेंट एम को हम क्या लिख सकते हैं, अभी जब मैंने आपको बताया रिलेशन कि एब्सेंट आर जो होता है आपका एब्सेंट आर
एप्सिलॉन आर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने अभी जो डिस्कस किया एप्सिलॉन आर होता है एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जैसे उल्टा कर देंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी वन अपॉन एप्सिलॉन आर के बराबर या फिर वन अपॉन के बराबर। ये डायरेक्ट फॉर्मूला हमें याद रखना है स्टूडेंट्स। तो एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू जाएगा वन अपॉन एप्सिलॉन आर इक्वल टू वन अपॉन के। एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी और उसी को हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, इसको हम के से डिनोट करते हैं। ये आपको फॉर्मूला स्लाइड में अवेलेबल है। तो ये कैसे है आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। और यही होता है परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट एंड रिलेटिव परमिटिविटी। परमिटिविटी जो मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो अपनी ओन फील्ड प्रोड्यूस करेगा और उन दो चार्जेस की फील्ड के साथ इंट्रैक्ट करके उनके बीच के फोर्स को कम कर देगा, और वो फोर्स कितने टाइम्स कम हुआ है ये बताता है हमें रिलेटिव परमिटिविटी का कॉन्सेप्ट। तो आपको अब देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें बताई हैं, बस एक के की जगह वन बाई के आएगा, ये मैंने बोला था आपसे करेक्ट कर लीजिएगा, ये के नहीं होगा यहाँ पे, इस के की जगह वन अपॉन के आएगा। बाकी एज इट इज़ ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। परमिटिविटी की डेफिनेशन है यहाँ पे, यहाँ पे रिलेटिव परमिटिविटी है, ये आपको रेशियो दिख रहा होगा। अच्छा स्टूडेंट्स, हम मीडियम की परमिटिविटी एप्सिलॉन से भी डिनोट कर सकते हैं या फिर हम एप्सिलॉन एम से भी डिनोट कर सकते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन एम से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे परमिटिविटी का डायमेंशन निकाला हुआ है, कैसे निकाला है पूरा क्लियर होना चाहिए, कूलम्स फोर्स के हेल्प से निकाला हुआ है। और यहाँ पे कुछ रिलेटिव परमिटिविटी या डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो ये न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अब स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाह रहा हूँ इसके बाद कि कुछ कंपैरिजन है इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो कुछ उनके बीच में सिमिलरिटीज़ होती हैं और कुछ डिसिमिलरिटीज़ होती हैं, तो ये आपको पॉइंट ध्यान रखना है, कई बार पूछ लेते हैं एग्जाम में। तो सिमिलरिटीज़ क्या क्या है पहले हम वो डिस्कस कर देते हैं। बोथ द फोर्सेज आर सेंट्रल फोर्स, मतलब सेंट्रल फोर्स मतलब दोनों के जो फोर्स लगते हैं वो हमेशा सेंटर के अलोंग लगते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके सेंटर के अलोंग लगता है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी उनके सेंटर के अलोंग लगता है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी उनके सेंटर के अलोंग लगता है। दोनों फोर्सेज इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करते हैं। हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स जो था, ग्रेविटेशनल फोर्स का आई थिंक फॉर्मूला आपको क्लियर होगा, एफ इक्वल टू जी एम वन एम टू अपॉन आर स्क्वायर होता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है एफ इक्वल टू के इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं दोनों में इनवर्सली स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो यही इनमें सिमिलरिटी है। कंजर्वेटिव फोर्स मैंने आपको क्लियर किया था, कंजर्वेटिव फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेस हैं जिसमें वर्क डन कभी भी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे करता है, और कभी भी अगर एक सर्कुलर लूप में हम वर्क डन निकालेंगे तो वो हमेशा कितना होगा, जीरो होगा स्टूडेंट्स। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी क्लियर करा है आपको। और डी जो लिखा है बोथ द फोर्सेज कैन ऑपरेट इन वैक्यूम, ग्रेविटेशनल फोर्स भी देख रहे हैं जैसे सन और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स है, दोनों वैक्यूम में है, और अभी जस्ट डिस्कस करके आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज़्यादा वैक्यूम में ही होता है, मतलब दोनों फोर्सेज वैक्यूम में भी ऑपरेट होते हैं। तो ये चार सिमिलरिटीज आपको याद रखनी है। अब डिफरेंस की बात आ रही है स्टूडेंट्स, तो पहला डिफरेंस लिखा हुआ है ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज अट्रैक्टिव। ये हमें पता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सिव कभी नहीं होता है, सिर्फ अट्रैक्टिव इन नेचर है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है। फिर हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स स्टूडेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। जितना फोर्स वैक्यूम में है उतना ही वाटर में रहेगा, उतना ही ग्लास में रहेगा, उतना ही अदर मीडियम में रहेगा, क्योंकि जी जो होता है ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है। पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है, जिसका कॉन्सेप्ट आज ही मैंने आपको बताया परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मीडियम पे डिपेंड करता है। और सी पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ये बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि हमने देखा है कि सिंपल दो छोटे चार्जेस के बीच में भी, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए मास का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट भी किया गया है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो स्टूडेंट्स आई थिंक ये आपको सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस क्लियर हो गएंगे, बहुत सिंपल हैं, आपको एज इट इज़ याद रखना है। इसके बाद
मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ सिंपल से तीन न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं कि परमिटिविटी आपको निकालनी है किसी मीडियम की। अगर रिलेटिव परमिटिविटी दिया है, आपने देखे होंगे मैंने फॉर्मुलेस स्लाइड पे लिखे थे आपके लिए। फिर यूनिट बोली रिलेटिव परमिटिविटी की, और एक थर्ड क्वेश्चन है ये आपका स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, और ये क्वेश्चन नंबर थर्ड है स्टूडेंट्स। ये तीनों आप सॉल्व करेगा, तीनों आपसे बन जाएंगे। हमारे पास सारे फॉर्मूलेस हैं, मैंने सारे फॉर्मूले आपको बताए। एक बार मैं फिर से यहाँ बता देता हूँ, एप्सिलॉन आर का फॉर्मूला जो हमने पढ़ा था, दैट इज़ एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और इसी को हम के बी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। जैसे कि आप देखें यहाँ पे एप्सिलॉन आर लिखा है तो कई बार के बी लिख देते हैं। फिर आपको ध्यान रखना है कि मैंने एफ मीडियम अपॉन एफ नॉट का फॉर्मूला भी लिखा हुआ है स्टूडेंट, इसको आपको ध्यान रखना है। इनमें एक रिलेशन ये भी होता है एप्सिलॉन नॉट अपॉन एप्सिलॉन एम, और एक रिलेशन ये भी होता है वन अपॉन एप्सिलॉन आर। ये फॉर्मूले आपको ध्यान रखना है, इन्हीं फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये आपसे बन जाएंगे। तो स्टूडेंट्स थैंक यू, जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो रहेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पे, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।